शिक्षा मानव मूल्यों के लिए ये विषय आज इतना प्रासंगिक है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कोई भी मीटिंग इस विषय के बिना समाप्त नहीं होती। शुरू भी इसी विषय से होती है और समाप्त भी इसी विषय से होती है, क्योंकि हमने इन 65 वर्षों में आजादी तो पाई, परंतु उस आजादी की कीमत अब हम क्या देकर पा रहे हैं। हमने डेवलपमेंट तो खूब किया, बट एट व्हाट कॉस्ट। हमने मॉडर्नाइजेशन को तो बहुत नाम दिया, बट एट व्हाट कॉस्ट। हमने अपने औहदे तो बहुत बढ़ाए, बट एट व्हाट कॉस्ट। हमने अपने घर में सब सुख सुविधाएं तो बढ़ाई, परंतु एट व्हाट कॉस्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब ये करते 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 कर गया तो बन गए, पर कहीं हमारे अंदर का मानव हमारे पीछे छूट गया। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। बारिश का मौसम है, इसलिए दुआ है भगवान से, जिसकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, कि इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, लोगों के जमीर पर धूल बहुत। एमवी मैनुअल ने कहा कि आज हमारा सामाजिक जीवन तनाव, स्ट्रेस, एवरीबॉडी स्ट्रेस्ड हो, किसी से पूछोगे या परेशान बहुत, छोटे से लेकर बड़े तक, संतरी से लेकर मंत्री तक, किसी से पूछो वही कहेगा सर बहुत स्ट्रेस है सारा दिन। अरे भाई किस बात का स्ट्रेस है? हर कोई कहेगा कि सुबह से शाम तक मारा मारी है, संघर्ष और हिंसा, वायलेंस। अखबार की हेडलाइंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइंस क्या है? लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, मालूम नहीं क्या क्या। इस सब ने हमारे जीवन को खोखला बनाया। झूठे गुण, जिसमें जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है, हर तरफ झूठ का बोलबाला। सच्चाई पर चलने वाले लोगों को पूछने वाले लोग ही बहुत कम है। कहते तो है हम सत्य के मार्ग पर चलो, पर सत्य के मार्ग पर चल के मिलेगा क्या? दैट मीन्स द होल सोसाइटी हैज डिटीरियोरेटेड एंड डिनाइग्रेटेड। इफ देर आर आइसोलेटेड केसेस वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ, बट इट इज ए जनरलाइज कंसेप्ट, यानी यू डू समथिंग टू मी एंड आई विल डू समथिंग टू यू। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अपने से कोई कुछ नहीं करना चाहता। इसने जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको विरोधाभासों में, कंफ्लिक्ट में खड़ा कर दिया। सो देर इज लॉट ऑफ कंफ्लिक्ट अराउंड। एंड बुद्धि की तो बात ही नहीं रही। हम कहते हैं कि साइंस ने हमारा बौद्धिकता हमारी बहुत बढ़ाई है, हमारी बुद्धि को बहुत बढ़ाया है, हमारी तर्क शक्ति को बहुत बढ़ाया है, परंतु उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी। डायरेक्शन लेस बुद्धि है हमारी। सो इसलिए जो नई पीढ़ी है उसके लिए डिसाइड ही नहीं कर पाती। हर कोई IAS क्लियर करता है, IPS क्लियर करता है, डॉक्टर बनता है तो सोचता है मैं मानवता की सेवा करूंगा, इंजीनियर बनता है तो सोचता है मैं दुनिया के कोई वंडर्स में से कोई चीज बनाऊंगा ताकि कुछ हो। बट स्लोली एंड स्टेडली जब वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, कोई पैदा करप्ट नहीं होता, कोई पैदा चोर नहीं होता, कोई पैदा डाकू नहीं होता। वक्त व्यक्ति को ऐसा बनाने पर मजबूर करता है। और वक्त क्या है जो हमारी समाज में प्रिवेलिंग सिचुएशन है,
हर कोई अच्छा होना भी चाहता है तो उसके लिए अच्छा होना बड़ा मुश्किल काम है। सब लोग पीछे से खींचने लगते हैं क्योंकि कहा करने वालों की भीड़ है। कोई भी व्यक्ति काम करने लगता है सब लोग उसके पीछे कहा पड़ जाएंगे, फिर तू क्यों करता है, हमें इतने साल हो गए हमने नहीं किया, तू क्यों करता। अरे अगर तुमने इतने साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए तो नए व्यक्ति को तो काम करना। कोई व्यक्ति निकलकर हटकर कुछ करने लगता सब लोग उसे शिक्षा देने लगते, मत कर मत कर मत कर, क्यों मत कर। Rather we should promote कि कर कर कर, हमें काम अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। और इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि मैं किसी के लिए काम करता हूं, हम सब अपने लिए काम करते हैं। और कोई किसी को दिखाने के लिए काम मत करे क्योंकि देखने वाला केवल परमात्मा। If you go to the Vatican City, you will see the dome. It is worth watching, I tell you. अगर आप एक बार गर्दन ऊपर कर लोगे तो देखते ही रह जाओगे भी क्या कला का नमूना। And believe me, मैं कहीं पे इतनी देर नहीं बैठा जितना उस डोम के नीचे जाके बैठा, घंटों बैठा रहा मैं नीचे उस डोम को निहार। उस डोम को पेंट किसने किया, इट इज ए आर्ट वर्क डन बाय लियोनार्डो डा विंची, जिसे हम इस दुनिया का सबसे महान चित्रकार मूर्तिकार और स्कल्प्टर कहते हैं। लियोनार्डो डा विंची 3 साल उल्टा लटका रहा उस डोम को पेंट करने के लिए और पेंट गिर गिर के उसकी आंखें भी पथरा गई, आंखें भी खराब हुई, लॉस्ट इज वी। एंड वन डे ही वाज वर्किंग इन द कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर, एंड समबडी लाफ्ड एट हिम कि लियोनार्डो हु इज गोइंग टू सी देयर इन द कॉर्नर, इस कोने को कौन देखेगा। तो लियोनार्डो आंसर्ड परमात्मा को देखेगा, कोई ना भी देखे इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमात्मा देख रहा है इस बात से फर्क। इसलिए अपने जीवन में कोई भी काम करो, बिलीव मी, डोंट थिंक कि प्रिंसिपल इज सीइंग और सम डायरेक्टर इज वाचिंग और सम अदर पर्सन इज वाचिंग, सी दैट गॉड इज वाचिंग, एंड इफ दैट थिंग विल कीप इन माइंड, बिलीव मी आवर लाइफ विल चेंज। समय पे आने के लिए कहना पड़े, रोज आने के लिए कहना पड़े, काम करने के लिए कहना पड़े, दैट मीन्स हम अभी अपनी मेंटालिटी को देखो, हमारी ह्यूमन स्टेजेस की डेवलपमेंट होती है, उनमें एक डोंकी स्टेज भी होती है, दैट मीन्स हम अभी डंकी स्टेज से बाहर ही नहीं आ पाए कि हम अपना और फर्दर डेवलपमेंट कर सके। एंड वी ऑल हैव द पावर टू बिकम ए सुपर ह्यूमन, ओनली थिंग वॉज that they realized their powers. उन्होंने अपनी सुप्त शक्तियों को जाना और इसलिए वो मानव से महामानव बन पाए। और हमने अपने अंदर की शक्तियों को कभी जाना ही नहीं, हमने अपने आप को एक लेवल तक रोक दिया। जिंदगी ये नहीं है, मैं कुछ आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जीवन इससे बहुत बड़ा है, जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। परमात्मा ने हमें वो जीवन दिया जो 84 लाख दूसरे लोगों को मिलता है और हम छट छटा के हमें ये जीवन मिलता है। हम किसी भी लेवल पे हो बट लाइफ इज इक्वल फॉर एवरीवन। जितनी सांसें हर आदमी की सांसें फिक्स हैं, उसके बाद सबको यहां से चले जाना है, किसी ने नहीं हारा है, परंतु जितनी सांसें हम मिली हैं उन सांसों का सदुपयोग करें, उन सांसों को बेकार ना करें, किसी की निंदा में, किसी की चुगली में, किसी से ईर्ष्या में, किसी से राग में, किसी से द्वेष, हम करें जो करें उस परमात्मा को अर्पित करने के लिए। और आज हालात ये हैं, गालिब तो ऐसे कई साल पहले हो गए, गालिब ने लिखा रहने दे मुझे इन अंधेरों में,
क्योंकि लाइफ जब ऐसी होने लगती है ना तो आदमी कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, तो कंडीशन रिफ्लेक्स अपना बना लेता है कि वो कंडीशनिंग हमने अपनी बॉडी की कर ली कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, पढ़ाना है, दो चार घंटे बोलना है और फिर वापस आ जाना, हमने अपनी कंडीशनिंग कर ली। हमें अपनी उस कंडीशन सेल से बाहर आना है और इस कंडीशनिंग के शेल को तोड़ना है ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सके। तब गालिब ने लिखा कि रहने दे मुझे इन अंधेरों में गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने। पर हमें अंधेरे में रहना ही नहीं। शिक्षा का मूल अभिप्राय है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अस्तो मा सद्गमे तमसो मा, यह हमारा ध्येय। इसलिए अंधेरा हमें छू भी ना पाए, अंधेरे में हम कभी ना रहे अपने जीवन में, हमारा जीवन प्रकाशित हो, आलोकित हो सूर्य की तरह। ऐसा जीवन यदि हम जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में कुछ बेस लाइन हमें सेट करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊं। और जिस दिन हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उस दिन हमारा जीवन बदलने लगता है, उस दिन हमारे जीवन में क्रांति घटित होने लगती है जिसे हमने आत्म क्रांति कहा, जिसे हमने सेल्फ रियलाइजेशन कहा। अध्यात्म कुछ और नहीं है, हमारा जीवन है, जीवन जीने की एक कला है। मूल्य क्या है, जिन वैल्यूज की हम बात करते हैं, अपना व्हाट आर दोस वैल्यूज। मूल्य किसी वस्तु क्रिया विचार को अपनाने के पूर्व हम यह निर्णय करें कि उसे अपनाएं या त्याग दें। आप कभी भी देखना, जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, एक बार अंदर से आवाज आती जरूर है, उस आवाज को हम सुने ना सुने ये हमारी बात है, परंतु आवाज आती जरूर है कि ये काम गलत है। इसलिए हम तब डिसाइड करें, अगर अंदर से आवाज आ रही है उसको सुने, पर हमने अपनी आत्मा के ऊपर धूल जमा दी है और इतनी पक्की धूल जमा दी है कि वो लोहे जैसी होती है, काटने से कटती है। और जो लोग, अब आप छोटा सा बच्चा देखो, उसकी आत्मा पर कुछ नहीं होता, हम उसे सिखा सिखा के झूठ बुलवाते हैं। हमें तो कहते हैं भी कह दे बार पापा घर में नहीं है। तो ये झूठ बोलना कौन सिखाता है बच्चे को, बच्चे को गलत काम करना कौन सिखाता है, हमें तो सिखाता है। और यदि हम बच्चे को ठीक बातें सिखाते, आत्मा निर्लेप पैदा होता, कोई उसके ऊपर कोई विकार नहीं होता, ये विकारों की परतें हम जमाते हैं, हम मतलब परिवार समाज जो भी सोसाइटी जिसे हम कहते हैं वो परतें जमाते हैं, और इन परतों के बोझ के नीचे जो दबते चले जाते हैं उनका जीवन बेकार हो जाता है। और जो ये पर्त जमने नहीं देते, रोज साफ करते रहते हैं उस पर्त को, वो लोग रामकृष्ण परमहंस अपने पास एक लोटा रखते थे, हालांकि उस लोटे में ना कभी पानी पीते थे ना कोई सामान डालते थे, पर उसे मांझते रोज थे। लोग कहते भाई ये क्या साफ सुथरा लोटा फिर रोज मांझने लग जाते सुबह शाम से। उन्होंने कहा ये लोटा मुझे याद कराता रहता कि जितना इस लोटे को मैं चमकाता हूँ कि मैं अपनी आत्मा को भी उतना चमका रहा हूँ। आत्मा पे जब परत लगने लगती है किसी विकार की तो उस विकार को भी मेरे को रोज चमकाना। और ये रोज चमकाने के तरीके हैं कि हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, सिनेगॉग में जाएं, मस्जिद में जाएं। ये क्या है, ये हमारी आत्मा को साफ करने के तरीके हैं। हम प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाना चाहते हैं कि हे प्रभु तूने हमें जीवन दिया और हम इस जीवन में जो कर रहे हैं वो तेरी कृपा से कर रहे हैं। इसलिए जो हमने भजन से शुरुआत की कि सब काम तेरी कृपा से होता है और उसी की कृपा से होता है, अन्यथा उसकी कृपा ना हो तो वही अर्जुन था जिसको सबसे बड़ा धनुर्धर कहते थे, इंद्रों ने पकड़ के पीटा और कृष्ण की 16 की 16,000 रानियां उसे खोस ली, जो भी गोपियां थी, वही अर्जुन था, वही भीम था जिसके अंदर
इतने हाथी फेंकने का बल था कि हाथी को फेंकता था तो ग्रेविटी से ही बाहर हो जाता था, नीचे आता ही नहीं था, इतना जोर उस व्यक्ति के अंदर था। और जब मौका आया तो एक हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा के सही, और वही हनुमान था जो पर्वत को उठा लाया, वही हनुमान एक बालू के शिवलिंग को हिला नहीं पाया। दैट मीन्स उसकी कृपा के बिना। आई हैव ऑपरेटेड मोर देन 2.5 लाख केसेस, बट आई कैनॉट अश्योर एनी पेशेंट के वेदर यू विल गेट विजन और नॉट। I cannot guarantee it. I only tell the patient के मेरा काम है तेरी आँख को बनाना, तेरे आँख के अंदर अच्छे से ऑपरेशन करना, ये मेरा काम है। निगाह देना प्रभु का काम। और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं करता हूँ, मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर बोल भी रहा हूँ तो ये केवल और केवल उसकी कृपा है, अन्यथा वो चाहे तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़े खड़े लुढ़क सकता हूं। उसकी कृपा के बिना कभी कुछ नहीं होता। तो व्यक्ति कुछ भी करने से पहले जब वो ये सोचता है कि इस चीज को मैं अपनाऊं या इस चीज को मैं त्यागूं, और जब हमारी आत्मा की आवाज, दैट मीन्स वी हैव टू लिसन टू द इनर वॉइस, वी हैव टू लिसन टू आवर सोल, और अगर हमारी सोल इस बात की गवाही दे तो हम उस काम को करें, और यदि एक बार छोटी सी अंदर से आवाज आए तो हम उस काम को ना करें। और जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तब वो डिसाइड कर लेता है तो वह मूल्य बन जाता है। देन देयर आर टू थिंग्स, एक मूल्य और एक आदर्श, ये दोनों ही करेक्टर बिल्डिंग के या पर्सनैलिटी बिल्डिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। जो हम मूल्यों को अंगीकृत करते हैं या अपना लेते हैं या आत्मसात करते हैं, वही हमारे जीवन के आदर्श बन जाते हैं। जैसे हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया तो हमने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा, युधिष्ठिर ने सत्य को अपनाया हमने सत्यवादी युधिष्ठिर कहा, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपनाया तो हमने कहा ही इज एन अपोसल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। So, इसलिए अपने जीवन में हम जिन चीजों को अपनाते हैं वो हमारे आदर्श बन जाते हैं, जिन मूल्यों को हम अपनाने लगते हैं। आप भी अपनी कोई ना कोई स्टैंप जरूर बनाओ कि आप किस आदर्श से जाने जाओगे अपने जीवन में। कोई पंक्चुअलिटी से जाना जाए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति पता लगता है रात को लेट जा रहा है, कोई व्यक्ति जल्दी आ रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, मतलब हर आदमी की कोई ना कोई स्टैम्प है। दो पल की जिंदगी, दो ही पल है, एक जीवन का पल और एक मृत्यु का पल, बीच में तो हम सब खींच लेते हैं रबड़ की तरह, ऐसे होता है ना इलास्टिक, उसको इतना खींच लो। दो पल की जिंदगी है, केवल दो असूल रहो तो फूलों की तरह। अर्बन से स्थित मूल्य वे हैं जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि इच्छाओं पर हमारी रोक नहीं है और उनके तुष्टिकरण ना होने से ही तो हमारी सारी लाइफ में जो कंफ्लिक्ट है वो पैदा होता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना इज द बिगेस्ट कंफ्लिक्ट इन आवर लाइफ। मैकेंजी ने कहा सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कि जब हम उन मूल्यों को रियलाइज कर लेते हैं तो वो हमारा सुख है। सुख को मूल्यों की अनुभूति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये मैकेंजी ने कहा। गांधी ने कहा कि मूल्य वे आदर्श विश्वास से प्रतिमान है जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश लोग ग्रहण करते हैं, कि जिस चीज को 95% या 97% लोग या इवन 80%+ लोग एक्सेप्ट करते हैं वह मूल्य है जिस समाज में। हो सकता है हमारे समाज में मोनोगैमी एक मूल्य, किसी समाज में पॉलीगैमी मूल्य ना ही गिना जाए।
किस तरह से मूल्य समाज के हिसाब से, दशा दिशा सब चीज़ों के हिसाब से बदलते रहते हैं, परंतु जिस समाज में मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिस चीज़ को अच्छा या बुरा मानते हैं, वही चीज़ें अच्छी या बुरी गिनी जानी चाहिए उस समाज की व्यवस्था के हिसाब से। पर डेफिनेशन दी उसने, कहा कि मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन को चुनने का एक मानक है, एक क्राइटेरिया है कि कई हैं चीजें अवेलेबल, उनमें से किसी एक को चुनना, किसी एक को क्राइटेरिया सेट करना, ये मूल्य है। राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि मूल्य वह सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं तथा लक्ष्य होते हैं जो अनुबंधन, अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं, और जो आत्मसात वरीयता प्रतिमानों तथा महत्वाकांक्षाओं का स्वरूप धारण कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक व निर्देशक सिद्धांत तथा मानक हैं, मीन्स प्रिंसिपल्स भी हैं और बेसिक क्राइटेरिया भी हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों में से चयनित मीन सिलेक्टेड व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल की जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल की जिंदगी का एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्करा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है जी। मूल्यों की प्रकृति आत्मगत दृष्टिकोण, पहला यानी इस दृष्टिकोण के अनुसार इच्छा, पसंद, रुचि, प्रयास, कार्य संतुष्टि आदि के विभिन्न कारक होते हैं जिन पर हमारे मूल्य निर्भर करते हैं। अब आप देखो, कई लोग कहेंगे यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। सेटिस्फाई होने के क्या क्राइटेरिया? अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम को जस्टिफाई कर दूं, चाहे मुझे थोड़े ही पैसे मिलते हो, मैं उन पैसों को तो जस्टिफाई करूं। तो मैं कभी डिससेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। डिससेटिस्फेक्शन का लेवल उन्हीं लोगों का है जो कुछ नहीं करते। जो करता है उसे पता है धंधा यहां भी पीटना, धंधा कहीं और भी पीटना, अपने आप मिल जाएगी, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। जिस व्यक्ति ने काम धंधा करना है, बिलीव में वो आदमी कभी डिससेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। जो जॉब से अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड लोग हैं, मान लेना मेरी बात कि उस व्यक्ति में ही कहीं कमी है। यहां मैंने लोगों को, दूसरों को बड़ा अच्छा प्रीच करते देखा है, भाई कहां फंस गया तू? अरे उसको कह रहे हो तुम कहां फंस गया, तू भी तो 10 साल से यही है। काउंटर सवाल कोई नहीं करता। अभी एक इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा लड़का था, उसको किसी दूसरे ने ये कह के निकाल दिया, जा तू भाग जा यहां से, तेरा कुछ नहीं। चुभती हैं ये चीजें आदमी। अरे तो खुद 10 साल से पढ़ा है, जब तेरा कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कहता हाँ जी मेरा तो ठीक हुआ। तो मैंने कहा दूसरे को बगैरा हुआ। जो आपसे ऐसी बातें करें, मान लेना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। और इसी चीज को हम रियलाइज नहीं करते। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे कि हमें बातें कहने वाले कौन लोग हैं और क्या बातें हमसे करते हैं, उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा। कई बार लोग मेरे पास आएंगे कि जी सब कह रहे हैं ऐसा। अरे मैं पूछूंगा सब में से कौन कह रहा है ये तो बताओ मेरे को, तब कोई उम्मीद नहीं रखने देता। सर किस किस का नाम लो, सारे ही कहते हैं। अरे तो सब में कोई तो होंगे, 5-7-8 लोग, उन्हीं के नाम बता दो। बताएंगे क्यों नहीं बताते? क्योंकि एक्चुअली कई बार ये चीजें होती भी नहीं है। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं।
मेरे लिए तो ये मेरी कर्म भूमि है, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत यहीं से की, 25 साल की उम्र में आया, आज 52 हो गए, 27 साल यहीं निकाले। जो आपसे गलत बात कर रहा है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुश्मन कोई और नहीं होते, जो हमारे आसपास रहते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन। जितने लोग इस दुनिया में बड़े हुए वो बड़े कोई अकेले से नहीं हुए, अपने घेरे से बड़े हुए। अकबर को हम कितना ही लाख क्रिटिसाइज कर लें, बट अकबर की एक बात तुम याद रखना अपने जीवन में, 9 रत्न ढूंढे थे उसको, बिना कास्ट कलर ग्रीड के रखे थे उसको, और उनकी बातों को पूरी अहमियत दी अकबर ने अपने जीवन में। अन्यथा 12 साल का अनाड़ी बच्चा था, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इट्स नॉट ए जोक, चाहे हमारे भारत में ही रह के बनाया और भारतीयों की कमियों की वजह से बनाया, दोज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट लुक एट what he became ultimately। इंदिरा गांधी को लोग लाख क्रिटिसाइज करें, बट आई टेल यू शी वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लीडर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। हर लाइफ में बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, बट लेट मी टेल यू दैट शी ऑलवेज चोज द बेस्ट टैलेंट फॉर एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई द कंट्री डेवलप्ड इन हर रीजन। ढूंढ ढूंढ के लाती थी लोगों को, मीटिंग बुलाती, यहां भी ये बताइए काम कौन कर सकता। सो दैट वाज हर टैलेंट, कि वो ढूंढती थी कि किसके अंदर क्या है, उसको निकालो। एंड अ सर्कल, बिलीव मी, इतने अच्छे लोगों का सर्कल था जो अपने हर फील्ड में टॉप क्लास लोग। राजीव गांधी ने भी यही किया। आज जितने ये मोबाइल लेके हम घूम रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके घूम रहे हैं, ऑल ड्यू टू सैम पित्रोदा, बट हु चोज हिम? नरसिम्हा राव यदि मनमोहन सिंह को ना ढूंढता एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट ही डिड टू इंडिया प्रॉब्ली नो वन कुड डू। परंतु आज भारत में जिन चीजों को हम स्मगल करके लाते थे आज ओपनली अवेलेबल है। आज कंपनियां देश में आना चाहती हैं, पहले कोई आना नहीं चाहता था, बाहर से माल बेचते थे, 100 रुपए की चीज हम भी 300 रुपए लेके खुश होते थे। सो ऑल दोस थिंग्स, जो मैं कहना चाहता हूं कि आत्मगत दृष्टिकोण पर हमारे बहुत कुछ निर्भर करता है, और अल्टीमेटली ये हमारा अपना जो व्यू पॉइंट है यही हमें लाइफ में ऊपर लेके जाए। कुछ वस्तु पर एक दृष्टिकोण होते हैं, व्यक्ति अपने मूल्य जो है वस्तुओं के हिसाब से बनाता है, जिसमें रंग सुगंध स्वरूप आकार दुनिया भर की चीज़ें, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। सापेक्षिक दृष्टिकोण, ये रिलेटिव। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसी दी कि हम हर चीज़ को रिलेटिव गिनने लगे, आज सत्य भी रिलेटिव हो गया। व्यवहारिक सत्य की बात करने लगे, व्यवहारिक नैतिकता की बात करते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, बच्चे भी पढ़ाते हैं, पापा भी प्रैक्टिकल कहते हैं कि नहीं कहते सबको। हर बच्चे को ये लगता है कि उसका बाप तो पुराने ढर्रे में डला हुआ है, और वो उनको सिखाएगा कि भी प्रैक्टिकल। शिक्षा में मूल्यों की आवश्यकता, आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, मॉडर्नाइजेशन को हमने समझा ही। क्या सोचते हो आप लोग? तो ये जो भ्रामक अवधारणा बनी है मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्न क्या है? मॉडर्न कभी इन चीजों से नहीं होता, मॉडर्न व्यक्ति विचारों से होता। विचार नए आने चाहिए, दैट इज मॉडर्निटी। पुराने विचारों में अगर कोई बदलाव लाने की जरूरत है तो वो लाने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। सिगरेट के छल्ले उड़ाना कौन सी मॉडर्निटी है? अस्तित्ववादी जीवन, पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण। देखो, वो लोग हमारे से पहले डेवलप होने शुरू हुए और डेवलप हो गए, जो वो आज हैं ओवर द इयर्स
इट हैज हैपेंड। बट जिन्हें हम सबसे ज्यादा मॉडर्न गिनते हैं, सबसे ज्यादा टीन एज प्रेगनेंसी के इंसिडेंसेस अमेरिका में होते हैं। ये मॉडर्निटी की कॉस्ट है क्या, और उसी को हम फॉलो करना चाहते हैं क्या? 70% लोग अमेरिका में कोई ना कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाई खाते हैं। इस मॉडर्निटी को हम फॉलो करना चाहते हैं। एवरेज मैरिड लाइफ इन अमेरिका इज 10 ईयर्स। हम इसको फॉलो करना चाहते हैं। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू होम पीपल वॉन्ट टू फॉलो। बट वो जो चकाचौंध दिखती है उसके अंदर क्या है, ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। भारत का सारा टैलेंट अमेरिका ले, सबीर भाटिया से लेके विनोद धामा तक, जिन्होंने हॉटमेल बनाई है, जिन्होंने ये सारी चीजें हमें दी, इंक्लूडिंग 35% डॉक्टर्स इन अमेरिका आर इंडियंस, 20% इंजीनियर्स इन नासा आर इंडियंस। उन लोगों को कभी दर्द नहीं आता अपनी बात। अमेरिका की डेवलपमेंट के दे आर बिकमिंग फाउंडर्स, बट व्हाट अबाउट आवर ओन कंट्री? वी आर ब्रॉट अप इन दिस कंट्री, वी हैव स्टडीड एट द कॉस्ट ऑफ दिस नेशन, वी मस्ट पे बैक टू आवर ओन कंट्री। मैंने 180 रुपए फीस दी अपने मेडिकल कॉलेज, 180 रुपए ही कमा के लाता था रेडियो स्टेशन से, 30 रुपए मिलते थे, 6 प्रोग्राम करता था, यानी फ्री बटे फ्री। और फिर मैं जाके सर्जरी करूं अमेरिका में, इसी समाज ने तो मेरे को पाला बड़ा किया, इसी समाज के टैक्स से मैं डॉक्टर बना, इसी समाज ने लगाया पैसा मेरे ऊपर, नहीं तो एक डॉक्टर बनाने में कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के लगते। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो हमारे भाई बहन बंधु सब बाहर हैं, उन्हें हमें कहना चाहिए कि भाई भारत में आके भारत की डेवलपमेंट के एक हिस्सा बनो, और इस मॉडर्निटी को छोड़ के वापस हिंदुस्तान को हम भारत बनाने की कोशिश करें। तर्क प्रधान चिंतन, आज हर आदमी तर्क में लगा। रीजन है हर एक के पास, लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस, क्योंकि साइंस ने हमें सिखाई है व्हाट व्हेन वेयर व्हेन हाउ हू। तो हमारा जो चिंतन है वो तर्क प्रधान हो गया। पर मेरी एक बात मान लेना, तर्क से जीविका तो मिल सकती है, परंतु जो जीवन है ना, तर्क का मतलब दिमाग बुद्धि, वो तो हमें दिल से मिलता। जिस दिन हम दिल से जीना शुरू करते हैं, कोई चीज आड़े नहीं आती हमारे, और जब जब हम दिमाग से जीते हैं तो हर चीज हमारे आड़े आती है। ये तर्क पढ़ने का ही कारण है, रोहतक की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60% मुकदमे मैरिटल डिसहार्मनी के हैं। ये तर्कशील बन गए ना सारे, बीवी भी तर्क करती है, हस्बैंड भी तर्क करता है, अल्टीमेटली दोनों एक बेलन ले, पहले तो एक बेलन लेती थी, अब दोनों तरफ बेलन है। जब झगड़ा शुरू हो जाएगा तो एंड तो कोई है नहीं। और यही जो है ना घर की चीज फिर यहाँ आ जाती है कैंपस में, हस्बैंड नहीं मिलता किसी और से लड़ना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड को वाइफ नहीं मिलती तो किसी और से लड़ना शुरू कर देते, पर कैरी ऑन होती है चीज, दे आर कैरीड ऑन। तो ये तर्क को छोड़ के, तर्क हमारी पढ़ाई के लिए ठीक है जब तक हम समझना चाहते हैं किसी समय, तर्क लगाएं खूब लगाएं, पर अपनी दोस्ती में अपने रिश्तों में इस तर्क का उपयोग ना करें।
ये जो तर्क प्रधान चिंतन है इसने हमारे देश का बहुत नुकसान किया। अतीत में अविश्वास, रामायण महाभारत हम सब कहते हैं झूठी बातें थी, काल्पनिक थी, भले ही काल्पनिक है। मेरा ये कहना है कि एक मिनट के लिए यही मान लो कि ये काल्पनिक है, बट हमें शिक्षा कितनी बड़ी देती है। लेट अस नॉट गो इन टू द डिटेल्स के वेदर राम वॉज देयर और नॉट, बट व्हाट एग्जाम्पल राम हैज सेट बिफोर अस इज मोर इंपॉर्टेंट। What can we learn from Ramayana and Mahabharata and Gita is most important। हम इस तर्क में क्यों जाना चाहते हैं कि ये हुई नहीं तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत, नहीं हुई कोई बात, परंतु सीख कितनी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट। इसलिए अपने अतीत में विश्वास करना सीखो, अपने अतीत पर गर्व महसूस करना सीखो। भारत की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं हैं वो ये बताती हैं कि भारत कितना विकसित था। अगर चंडीगढ़ को देख लो तो मोहनजोदड़ो का सिटी ऐसा ही था, जो हमने 5500 साल बाद बनाया चंडीगढ़, ऐसी वेल प्लान्ड रोड्स, वेल प्लान्ड सीवरेज सिस्टम, वेल प्लान्ड लाइटिंग, एवरीथिंग वाज देयर। तक्षशिला से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, नालंदा से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हम अतीत पर क्यों ना गर्व करें और उन्हीं को, अब देखो नालंदा प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के प्रयासों से दोबारा से शुरू हुई। अफगानिस्तान में तक्षशिला पड़ दिया, अब सिर्फ शिला शिला बची है, वहां कुछ नहीं बचा, छोटी मोटी समाधियां और कुछ और खंडर बचे। Why not to be tired with the Afghan government? इट्स ए प्राइड ऑफ द वर्ल्ड। इन चीजों को कोई ध्यान नहीं देगा, ना कोई किसी चीज की बात करेगा। सो में अनास्था, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं। किसी को कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, अरे मुश्किल कैसे है, मुश्किल किसकी होता है इस दुनिया में, सब कुछ हो सकता है यदि हम अपने ऊपर विश्वास करें। इसलिए स्व में जो अनास्था है, ऐसे हमारे मूल्य प्रदूषित हो गए और आज का जो भारत का टाइम है ये संक्रांति काल का, ना पूरे तरीके से मॉडर्न है ना पूरे तरीके से एंशिएंट है। वी आर लिविंग इन एन एरा विच इज ए जंक्शन बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्निटी। पहले कहते थे कि बाप और बेटे से जनरेशन चेंज होता है, अब हर 10 साल में जनरेशन चेंज होता है। जनरेशन गैप जो है वो हर 10 साल में आ रहा है। आप बूढ़े होने तक कम से कम 3 या 4 जनरेशन गैप्स को रियलाइज कर लेंगे, क्योंकि हर 10 साल में जनरेशन बदल रही है। इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ये कैसी शिक्षा है, हमको समझ में नहीं आई। पहाड़गंज में पहाड़ नहीं, मानव में दहाड़, मरे पड़े हैं बुझे चेहरे, धोला कुआं में कुआं नहीं, मानवता को हमने छुआ नहीं, संवेदना हमारे अंदर की समाप्त हो रही है। हम लोग रूल बुक से चलते हैं इस देश में, जिस दिन रूल बुक को छोड़ के व्यक्ति के इंडिविजुअल संवेदनाओं के हिसाब से हम चलेंगे उस दिन ये देश बदलेगा। दरियागंज में दरिया नहीं, शिक्षा नैतिकता का जरिया है। आज की शिक्षा केवल और केवल डिग्री दिलाती है, हमें नैतिक मूल्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। इंद्रलोक में परियां नहीं, परीक्षा बिन पर्चियां। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, और बच्चे क्या है क्लासों में नहीं है, सड़कों पर भड़क निकालते हो, फटाफट एजिटेशन, ये चीज होगी वो चीज होगी, जाके कहीं के शीशे तोड़ेंगे, करेंगे 2 मिनट। यानी पुरानी दिल्ली में नई सड़क, बच्चे क्लासों में नहीं है पर सड़कों पे भड़क, सड़कों पे अपनी भड़क निकालते फिर रहे। क्लासरूम में इतनी भड़क निकालो तो तुम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ, और हर चीज का हल बैठ के निकलता है, नारे लगाने से नहीं निकलता। नई दिल्ली में पुराना किला, गुरु शिष्य का संबंध जला। ये संबंध यहाँ पे छूट गया क्योंकि मैं करेक्ट कराना चाहता था, बट देन शी एडवाइस मी कि सर सारी जेपीजी बदलेगी, आज फिर फंस जाएगा मामला,
मैंने कहा चलो आज दूंगा तो सही प्रेजेंटेशन, ना ही फंसे तो अच्छा है। कश्मीरी गेट में कश्मीर, अजमेरी गेट में अजमेर नहीं, तो भविष्य बिना अंधेर के, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बिना अंधकार के हमारा भविष्य नहीं होगा, हमारा भी और हमारे शिष्यों का। मोती बाग में मोती नहीं, गुलाबी बाग में गुलाब नहीं, शिक्षा तेरा।